subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. Khichdi ek वैसे एक डिश भी ऐसी होती है जिसमें चावल दाल सब्जियां मसाले सारे चीजें डाली जाती है और किसी भी हालात में वो खाई जाती है तो हमारी खिचड़ी भी वैसी है पावर पैक्ड है किसी भी टाइम पे आप ये देख सकते हैं आप एंजॉय कर सकते हैं किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं अकेले बैठ के भी एंजॉय कर सकते हैं और इसमें हर एक किस्म की चीज़ है जो आप लोगों को सूट भी करेगी और मज़े भी आएंगे और हमारे देश में हर जगह खिचड़ी बनती है ना हर प्रांत में बनती है वैसे अलग अलग ऐसे ही मूड हमारी खिचड़ी में भी है और पूरी फैमिली देख के बैठ के देख सकते हैं बच्चे से बूढ़े तक सब बैठ के देख सकते हैं और एक ही तरह सब जैसे बच्चा एंटरटेन होगा वैसे ही बूढ़ा भी एंटरटेन होगा That is why this is खिचड़ी is going to be a relief. वही तो मजेदार बात है ना खिचड़ी की यही खिचड़ी का USP है कि हमारी एक टीम है टीम पूरी टीम एक टीम प्रेजेंट होती है और स्ट्रेस बस्टर है खिचड़ी इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर अगर बात कर जाए तो कॉमेडी के लिए एनर्जी की हमेशा की जरूरत होती है और लंबे अरसे से आप कॉमेडी भी करते आ रहे हैं इंडस्ट्री में भी काम करते हैं तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह के रोल्स का बहुत मज़ा आता है ना एनर्जी है तभी तो कर रहा हूँ मैं और ये एनर्जी आई खिचड़ी की वजह से मैं मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा हम इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को क्योंकि ये एक ब्रांड है जो हम सबको बहुत पसंद है और हम इस ब्रांड को ख़ुद भी उतना ही इन्जॉय करते हैं जितना कि हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप भी इन्जॉय करें तो इस वजह से हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा एक ख्वाहिश है कि हम आपको एंटरटेन करें और आपको भी वैसी ही इन्जॉयमेंट दे पाएँ जो हम पहले दे चुके हैं क्या लगता है ये तो मैं नहीं कह सकती कोई भी नहीं कह सकता कि क्या किसी को लगता है लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हम होप ज़रूर करते हैं कि ये हमारी जो नई खिचड़ी हम पका के ला रहे हैं वो पहले से बेहतर है वो हम जानते हैं और हम चाहेंगे कि आप भी उतना ही एंजॉय करो उसे और इतना उतने ही लोग उसे सराहें जितना हमारी पहली बार की अटेम्प्ट को सराहा था जो पहली दो सीज़न थी और फिल्म थी बाद में उससे चार गुना ज़्यादा एंटरटेनिंग और ह्यूमर है दैट इज़ फॉर श्योर सेट पे जैसे कि बातें की गई है कि जो कि फिर सेट है किस तरह का माहौल है वहाँ का सेट हमारा एक्चुअली सेट हमारा बहुत सुंदर है उसके बारे में जैसे JD ने कहा कि हम आपको बाद में रिवील करेंगे कि क्या है लेकिन हम ये कहेंगे हम जहाँ भी जाते हैं हम जब साथ होते हैं तो बहुत मज़ेदार ही होती है वो जगह और हम उसे उतना ही लाइवली और उतना ही मज़ेदार बना देते हैं हम हंसते खेलते रहते हैं सेट पे और इस गर्मी के बावजूद हमने बहुत इन्जॉय किया इसे शूट करना शूट करते करते में बहुत मज़ा आता है हंसते हैं खेलते हैं काम तो करते ही हैं पर साथ में हंसते खेलते हमारा काम हो जाता है ये मज़ेदार एक और बात जो मुझे लगती है कि हम लोग खुद भी एज एक्टर्स स्ट्रेस बस्टर हैं हमारे लिए भी खिचड़ी तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम खुद ही घर जाते हैं हालांकि पूरा दिन बहुत काम किया होता है लेकिन हम फिर भी रिलैक्स रहते हैं 12 घंटे काम करने के बाद हम थकते नहीं है मेंटली ऑल्सो एंड फिजिकली ऑल्सो